देश के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को और खास करके मेरे नगरजनों को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मैं सवेरे 8 बजे से ध्वजारोहण का कार्यक्रम लगातार कर रहा हूं, लेकिन एक ध्वजारोहण के बीच में गाड़ी में बैठा और मोबाइल पे देखा तो देश के प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे योजनाओं का ऐलान किया है, घोषणा किया है। उसमें एक योजना जो मैंने सुनी वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो रेंटल घरों में रहते हैं उनको बैंक में से आसानी से लोन मिलेगा, इसकी घोषणा उन्होंने की है। इसलिए यहाँ पर पोईसर जिमखाना के ध्वजारोहण में मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन किया कि आप लोग एक जवाबदारी लेकर इसको आगे बढ़ाओ। पार्टी के कार्यकर्ता और नगरजनों को अगर हम बैंक में कोऑर्डिनेट करके अगर लोन दिलाते हैं तो इनका जीवन सफल हो जाएगा, इनका हक्का पक्का घर बन जाएगा और ये बहुत आसानी से होता है। आज जो लोग भाड़ा देते हैं 10-10 हज़ार रुपया 200-250 फुट के घर का, वो 10 हज़ार रुपया आप अगर बैंक में भर दोगे तो आपका 20-25 साल में आपका स्वयं का घर हो जाएगा और एक अच्छा घर भी मिलेगा, अच्छे वातावरण में आप रह सकते हो और एक 20-25 साल के बाद में आपका स्वयं का घर बन जाएगा। मैं तो कहूँगा कि जो लोग मेरी आवाज़ को सुनते हैं वो एक एक गरीब को भी अगर घर लोन बैंक में से दिलाकर उसका घर बनवाने का अगर आप काम करते हो तो आप, मैं मानता हूँ कि इस आज़ाद भारत में बहुत बड़ा काम करते हो, ऐसा होगा, ये आप करिए, ये मैं भावना प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, भारत माता की जय। मैं पोईसर जिमखाना की तरफ से, हमारी पूरी मैनेजिंग कमेटी की तरफ से, हमारे सारे मेंबर, नॉन मेंबर और पूरे भारतवर्ष के लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज हमें 76th इंडिपेंडेंस डे के दिन यह आज़ादी किसी अपनी पुरखों की मेहनत और संघर्ष के कारण मिली है और हम सभी लोग मिलकर उसे टिका के रखेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको निभाएंगे। मुझे दुख के साथ में ये कहना पड़ता है कि जैसे हम यहाँ पे फ्लैग होस्टिंग का सेरेमनी करते हैं, बहुत कम यंगस्टर्स दिखते हैं, तो यंगस्टर्स आते नहीं हैं। मेरी गुजारिश यंगस्टर्स से है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्यक्रमों में वो भाग ले, पार्टिसिपेट करें, अपने देश के प्रति अपनी आस्था दिखाए, तब जाकर अपना भारतवर्ष कुछ पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा देश बनेगा और वो भी स्टूडेंट्स आगे चल के एक अच्छा नागरिक भारत देश के लिए बनेगा। तो आज पोईसर जिमखाना में एक एक्ट भी जो प्रस्तुत किया गया है देश की खेती, तो क्या एक्ट है, इसे आपके मन में क्यों आया कि इस तरह का भी आयोजन होना चाहिए कार्यक्रम? नहीं, इसके पीछे का कारण ये है कि अगर आप लोगों को पता होगा कि 2023 ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट गवर्नमेंट ने और यूएनओ ने डिक्लेयर किया था, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम कुछ मिलेट के ऊपर इस तरह का कार्यक्रम करें। तो हमारे साथ में आर्टिस्टिक वुमन की टीम पूरी जुड़ गई और कॉलेजेस के बच्चे जुड़ गए और वो लगातार गए 3 महीने से इस कार्यक्रम को प्रैक्टिस कर रहे हैं। और एक छोटा सा प्ले है, इसको हमने पहले मराठी में किया था और 1 घंटे का प्ले है और इसको अभी हमने कन्वर्ट करके हिंदी में भी किया है। मिलेट, हम सभी को पता है कि मिलेट एक अपने भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अन्न है, जैसे हम बोलते हैं कि बाजरा है, जवेरी है, ये सारे चीज़ गेहूँ है जो ये मिलेट के अंदर आती हैं। तो ये हम सभी लोग इसका हम सभी लोग इसी का हम सभी लोग इसका ग्रहण करते रहते हैं, बट इसकी इम्पोर्टेंस हम भूल गए थे। हम काफ़ी सारे अपने यंगस्टर्स देखते होंगे कि हम इस फूड को छोड़कर हम फास्ट फूड की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम इस नाटक के जरिए या प्ले के जरिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये इतने ही महत्वपूर्ण अन्न है जो हमें ग्रहण करनी चाहिए। सर, बैकग्राउंड में देखा गया परभणी जिला का जिक्र किया गया? नहीं, वो स्पेसिफिक ऐसे कुछ परभणी के ऊपर नहीं, कुछ एक हमको गांव का सीन करना था, गांव का दिखाना था, तो जस्ट परभणी के ऊपर हमने, क्योंकि अगर मराठवाड़ा साइड अगर देखेंगे तो ये मिलेट की काफ़ी खेती होती है और वहाँ पे अगर आप देखेंगे बाजरा, जवेरी, ये इस तरह के फूड बहुत खाए भी जाते हैं और उगाए भी जाते हैं।